अभी 5 मिनट वेट करेंगे, अगर वो आ जाते हैं तो टीवी का मार्क के तरह नहीं है, शायद तब भी ना सब बना देंगे तो ये नजर आ रहा हूँ हम पर बना लीजिए, अभी 5 मिनट और वेट कर रहा हूँ, अभी समझ नहीं लगेगा पूरा लेक्चर। यही नजर आ रहा है रिमोट कनेक्टेड हो गया सारे सेंटर चेक कर लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन है तो वो ले लेता हूँ। हेलो सर, सर आप बोर्ड पर जूम कर सकते हो? हेलो, बोर्ड को जूम करके दिखाइए। अब ठीक है मैम, अब ठीक है मैम। यस सर, यस मेरे को तो नहीं जूम करना, मेरे को तो नहीं जूम करना।
पहले तो बोला था साल उसको ना तभी तो बोला मेरे को तो सुन करने के लिए नहीं अरे ये भी पॉसिबल हो सकता है ना मैं ही ना दिख रहा हूँ वहाँ पे लगता है वाकई इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है इतने जितने में आगे लंच के बाद आगे दोनों बाकी भी कनेक्ट हो गए अभी कोई क्वेश्चंस है इससे पांच मिनट में क्वेश्चन ले लेता हूँ स्टार्ट करते हैं फिर यस सर ठीक है और टॉपिक इज एसीएल ध्यान रखना जब हम सिस्को की बात करते हैं तो हम टॉपिक को बोल देते हैं एसीएल असेस कंट्रोल लिस्ट जल्दी जो हम विंडोज या लिनक्स प्लेटफॉर्म के अंदर इसको फायरवॉल बोल देते हैं जब हम विंडोज या लिनक्स की बात करते हैं जल्दी हम इसके लिए प्रॉपर टर्म है फायरवॉल फायरवॉल मीन कुछ चीजों को ब्लॉक करना कुछ को अलाउ करना पर सिस्को में हम खास करके ये राउटर्स के अंदर इसको हम एसीएल बोल देते हैं असेस कंट्रोल लिस्ट कि हमने असेस को कंट्रोल करना है हर एक कोई ना असेस कर सके हर एक सर्विस को यही चीज जब हम क्लाउड में चले जाएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ना तो उसको एसीएल बोलते हैं ना फायरवॉल बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स बोल देते हैं इसका मीनिंग हम सिक्योरिटी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं फायरवॉल की बात कर रहे हैं एसीएल की बात कर रहे हैं वन एंड द सेम थिंग बेसिक कंसेप्ट सब में आपके क्लियर होने चाहिए इसलिए मैं पहले 10-15 मिनट बेसिक कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ चाहे आप एसीएल को इस्तेमाल कर रहे हो या लिनक्स या विंडोज के अंदर फायरवॉल इंप्लीमेंट कर रहे हो या क्लाउड पे आप सिक्योरिटी ग्रुप्स इंप्लीमेंट कर रहे हो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फायरवॉल या एसीएल के अंदर है दैट इज डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन के अंदर एसीएल या फायरवॉल या सिक्योरिटी ग्रुप्स लगाएंगे डायरेक्शन इस केस में मैं एक लैब दिखा रहा हूं हमारे पास दो पीसी है 172.24.0.2 ये 3 वाला है एक दूसरी लैब में हमारे पास टू सिस्टम्स हैं 192 सीरीज वाले ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा राउटर लगाना पड़ेगा जब हम राउटर लगा देंगे तो वो आपस में क्या करने शुरू कर देंगे कम्युनिकेट करने शुरू कर देंगे इसका मीनिंग क्या हो गया ये हमारा क्या हो गया राउटर यहां पे ही हम फायरवॉल भी इंप्लीमेंट करेंगे इसी राउटर को हम क्या करेंगे फायरवॉल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए हमें इस कई बार इसको हम बोल देते हैं राउटिंग फायरवॉल कि ये फायरवॉल राउटिंग का भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है प्लस फायरवॉल का भी जब कई बार इस चीज को इसको स्क्रीनिंग राउटर बोल देता है स्क्रीनिंग राउटर स्क्रीन का मीनिंग भी क्या होता है स्क्रीन करना फिल्टर करना अब मैं यहां पे बैठा हुआ हूं फायरवॉल के ऊपर इस राउटर के ऊपर मैं यहां पे बैठ के एक स्टेटमेंट देता हूं कि 172.24.0.2 इसकी किसी भी चीज को असेस नहीं कर पाए कर सके तो ट्रैफिक कहां से जनरेट हो रहा है यहां से आप इसकी तरफ रहे मेरी तरफ राउटर में कौन सी डायरेक्शन होगी इनपुट लिनक्स के अंदर हम इसको इनपुट बोल देते होते हैं इनपुट डायरेक्शन है सिस्को तो कहता है नहीं इनपुट नहीं इन डायरेक्शन है इसी तरह मैं ये कहता हूं कि यहां पे बैठ के स्टेटमेंट देता हूं 172.168.0.2 इसकी किसी भी चीज को असेस नहीं कर पा
तो वो भी अगेन फिर क्या हो गया इन. अब यहाँ पे मैं दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे बैठ के स्टेटमेंट देता हूँ, ये इसको ना असेस कर पाए या यहां से बैठ के इसको पिंग ना कर पाए. फायरवॉल पे बैठ के ट्रैफिक कहाँ जा रहा है, बाहरली डायरेक्शन में जा रहा है, उसको क्या हम बोल देते हैं आउट. लिरिक्स वगैरह में इसको हम आउटपुट बोल देते हैं. ऐसे मैं कह देता हूँ कि यहां से आना चाहिए वो भी क्या होगी आउटपुट डायरेक्शन. एक तीसरी भी डायरेक्शन होती है, मैं कहता हूं कि यहां से ट्रैफिक यहां पे ना जाए, तो यहां से क्या हो रहा है क्रॉस होके जा रहा है. मीन मैं क्या कहता हूं यहां से यहां ना जा पाए, तो वो क्या हो गया क्रॉस हो रहा है, उसको हम फॉरवर्डिंग बोल देते हैं. तो वो लिनक्स के अंदर बोलते हैं, सिस्को इसको नहीं, सिस्को कहता है ऐसी कोई चीज नहीं है. वो फॉरवर्डिंग तो क्या लेता है, पहले इन हो रहा है ट्रैफिक फिर आउट हो रहा है. इसलिए ध्यान रखना सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डायरेक्शन. डायरेक्शन को समझने के लिए अब मैं चाहता हूं 2 बजे के बाद कोई भी अंदर ना आ सके, तो मैं क्या कर दूंगा लॉक लगा दूंगा. और एक प्रॉब्लम है जो बीच में उठ के जाने वाले हैं, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम. ज्यादातर टाइम क्या होता है 95% केसेस में एडमिनिस्ट्रेटर शौकिया तौर पे फायरवॉल लगाता है, दूसरे तीसरे दिन ही बंद करनी पड़ जाती है. क्योंकि ठीक है उसने बाहरला ट्रैफिक तो रोक दिया पर अंदर से गालियां पड़नी शुरू कर दिया, क्या कर दिया क्या कर दिया, ये नहीं कर पा रहे वो नहीं कर पा रहे, वो बेचारा घबरा के क्या करता है फायरवॉल जैसी होती है उसको वैसे पैक करके रख देता है. तो ध्यान रखना डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप फायरवॉल लगाना, हमें ऐसे लगाना पड़ेगा कि भी बाहर से तो ना आ सके अंदर से जाए. डायरेक्शन यहां तक क्लियर है, ये डायग्राम हमने इसको समझने के लिए बनाई थी. ठीक है वापस मैं इस पे आना चाहता हूँ. दूसरी चीज हमने जो डिस्कस करनी है पहली हमारी थी डायरेक्शन सी. उससे पहले एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहता हूं, रियल लाइफ में हमारे पास कौन सी फायरवॉल्स जमा की आती हैं. सबसे जो ज्यादा यूज होने वाली है वो क्या है, सिस्को की डेप्टी सिक्योरिटी अप्लायंस है. इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है. जब ये आपको खरीदने जाओगे आपको एक हार्डवेयर दे देंगे जिसके अंदर ये सारा कुछ, इसको चलाने के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट चाहिए होगा जो इसको ऑपरेट करता. सेकंड हमारे पास जो चॉइस है चेक पॉइंट वालों की फायरवॉल आती है, अगेन काफी कॉस्टली, इसको चलाने के लिए एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, हार्डवेयर बेस्ड है. थर्ड माइक्रोसॉफ्ट की ईजा फायरवॉल, तो ईजा की आपको कॉस्ट लगेगी प्लस ये 2003 सर्वर जहां 8 जहां उस पर चलेगा उसकी कॉस्ट है. चौथी हमारे पास होती है लिनक्स बेस्ड होती है फायरवॉल, वो फ्री होती है जिसको लिनक्स की नॉलेज है वो भी है. जो मेन कंपेटिटर्स हैं इस केस के अंदर हम सिस्को की डेडिकेटेड प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं. ठीक है फायरवॉलिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे नॉर्मल राउटर्स हैं उसके अंदर जो फायरवॉलिंग की फैसिलिटी है उसको यूज कर रहे हैं, और नॉर्मल उस फैसिलिटी को हम ACL बोलते हैं. ठीक है दूसरी चीज आपने जो एक चीज और ध्यान रखनी है, पहली थी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम फायरवॉल या ACL लगाएंगे. सेकेंड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज टाइप ऑफ फायरवॉल, किस टाइप की हम फायरवॉल लगाना चाहते हैं. 90% जो फायरवॉल होती है वो फिल्टर फायरवॉल होती है. फिल्टर मीन मैं कहता हूं कि वेब सर्वर को असेस ना कर सके, FTP को कर सके, पिंग ना कर सके, SSH कर सके. क्या कर रहा हूं बेसिकली,
आई एम फिल्टरिंग द ट्रैफिक. हम कहते हैं घर में फिल्टर लगा हुआ है, क्या मीनिंग है? इम्प्योरिटीज को नहीं आने देगा. और ज्यादातर जो 90% फायरवॉल है हम कह सकते हैं दे आर फिल्टर. ठीक है, दूसरी हमारे पास जो फायरवॉल है, टाइप ऑफ फायरवॉल है नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. ये फर्दर दो टाइप की है, सोर्स नेटिंग, सेकंड है डेस्टिनेशन नेटिंग. पहले मैं सोर्स नेटिंग को समझने की कोशिश करता हूं कि क्या. सपोज मैं स्टेटमेंट देता हूं कि जो अमृतसर से पर्सन आया उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा. एक दो बैठे हैं यहां पे, ठीक है, तो ये कहते हैं कि नहीं मैंने तो पढ़ना है, तो ये क्या कहेंगे, जलंधर से आई हूं मैं. मीन कुछ कारण करके इनको क्या मैंने मैनिपुलेट करना पड़ गया, सोर्स एड्रेस मैनिपुलेट करना पड़ गया. जब भी हम किसी रीजन के कारण अपना सोर्स एड्रेस मैनिपुलेट करते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सोर्स नेटिंग. रियल में ये कब यूज होगा? अब हमारे जो पीसीज होते हैं उस पर एड्रेस हमने क्या दे रखा होता है, 192 दे रखा होता है, या 10 सीरीज वाला या 172 वाला, ये फ्री वाले एड्रेस है. इंटरनेट के जो राउटर्स होते हैं वहां पे डिफॉल्ट एक एसीएन लगी होती है कि यहां से पैकेट आए उसको ब्लॉक कर देना है, उसको इंटरनेट नहीं चलाने देना. तो हमारा जो मेन सर्वर होता है वो क्या करता है, बेसिकली सोर्स नेटिंग पर वर्क करता है कि जब वो पैकेट बाहर जाता है उसका जो एड्रेस है 192 जो की जगह चेंज कर. एस नेटिंग मीन क्या हो गया, किसी रीजन के कारण वी हैव टू चेंज द सोर्स. अब हम डेस्टिनेशन की भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज डीनेट. सपोज अगले वीक मैं मूवी में जाना चाहता हूं, तो घर वाले कहेंगे मैं को हमें भी ले चलो. मैं कहूंगा नहीं, मैं तो नेटर में क्लास लेने जा रहा हूं. फॉर सम रीजंस आई हैव टू मैनिपुलेट, डेस्टिनेशन एड्रेस मैनिपुलेट करना पड़ता है. That is the example of denetting. कुछ reasons हो सकते हैं जिसके कारण हमें यह करना पड़ता है. कई बार क्या होता है कि आपने suppose अपने server का address 172.24.0.1 दे रखा था, किसी reasons के कारण उसका address 11 करना पड़ गया. अब लाखों लोगों को पता है कि आपका 1 address है, वो तो वहां भी जाएंगे. तो किसी कारण हमें कई बार क्या करना पड़ता है कि जब पैकेट आए अगर वो एक की तरफ जा रहा है तो उसको कहां भेज दे, 11. जैसे कई बार हमारा ऑफिस शिफ्ट हो जाता है, वहां पे एक कागज लगाए जाते हैं हम कि यहाँ पे शिफ्ट हो. डी नेट कुछ कारण, ठीक, अलग चीज है. फिल्टरिंग, सेकंड क्या हो गया हमारा, नेटिंग. तीसरे